तो लास्ट टाइम हमने 2 से 3 से और 4 से विभाज्यता की जांच की थी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि 5 से संख्याएं कंप्लीट रूप से कब भाग होती है, जब संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो संख्याएं 5 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए 1225 में क्या है, इकाई का स्थान 5 है। सिमिलरली ऑप्शन सी में देखें 1420 में इकाई का स्थान 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याएं 1225 और 1420 आपकी संख्याएं 5 से पूर्ण रूप से भाग होने वाली है, जबकि यहां पर ऑप्शन बी में इकाई का स्थान कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1224 अब 5 से पूर्ण रूप से भाग नहीं होने वाला। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं, पहले ट्राई करते हैं 1225 को 5 से भाग देके ट्राई करते हैं। तो हमने देखा कि 1225 5 से पूरा भाग हो रहा है। ओके, अब यहां पे देखेंगे हम ऑप्शन बी को, ये है 1224 को भाग देके देखते हैं। जबकि हमने ऑप्शन बी में देखा कि यहां शेषफल 4 बच रहा है। ओके, तो ये जो नियम है 5 का, यही बताता है कि संख्याएं वो 5 से कंप्लीट रूप से भाग होगी जब संख्या का ये इकाई का स्थान क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। ओके, तो दूसरा जो नियम है वो 6 का नियम है। 6 से संख्याएं कब पूर्ण रूप से भाग होती है, जब जब संख्या क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, और साथ में क्या हो, उसकी अंकों का योग क्या हो रहा हो, 3 से कंप्लीट रूप से भाग हो रहा हो, तब संख्याएं 6 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहां पर कि हमने क्या किया, 4518 की अंकों का योग किया, 18 आया, जो कि क्या है, 18 क्या है, 3 से कंप्लीट रूप से भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1518 भी अब 6 से पूर्ण रूप से भाग होने वाला है। सिमिलरली हम देखें 1524 में अंकों का योग 3 12 आ रहा है, जो कि 3 से कंप्लीट रूप से भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1524 भी अब 6 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। जबकि हम यहां देखें ऑप्शन सी में 1420 में अंकों का योग कितना है, 7 है, जो कि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि 1420 भी अब 6 से पूर्ण रूप से भाग नहीं होगा। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं, यहां पर हम ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं 4518 को। तो हमने देखा यहां पर कि ये 45 जो 18 है वो 6 से पूर्ण रूप से भाग हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को, 1420 को देखते हैं 6 से भाग देकर। जबकि ऑप्शन सी में 1420 में हम देख रहे हैं कि शेषफल 4 आ रहा है। ओके, तो ये है हमारा 6 का नियम। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि, तो नेक्स्ट है हमारा आर से विभाज्यता की जांच। आर से संख्याएं कब पूर्ण रूप से विभाजित होती है, जब संख्या के अंतिम 3 अंक आर से पूर्णतः भाग हो रहे हो, तब संख्याएं भी आर से पूर्णतः भाग हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हम 41784, ऑप्शन बी में देखते हैं हम 1524, और ऑप्शन सी में देखते हैं हम 2642। ऑप्शन ए में देखें हम कि अंतिम 3 अंक 784 हैं। ओके, तो इसको टेस्ट करते हैं हम कि आर से विभाजित, आर से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अंतिम 3 अंक देखने हैं हमें 784। तो हमने देखा यहां पर कि ये अंतिम 3 अंक आर से पूर्णतः भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये संख्या है 41784 भी अब आर से पूर्णतः भाग होने वाला है। चलो चेक करते हैं इसको।
तो हमने यहाँ देखा कि यह आर से भी कंप्लीट भाग हो रहा है पूरी संख्या। ओके, तो रूल एकदम सही है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं एक बार के लिए। अंतिम तीन अंक देखो 642 है। तो हमने यहां देखा कि ये इसका जो अंतिम जो तीन अंक हैं वो आठ से पूर्णतः भाग नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी में जो 2642 दिया हुआ है ये आठ से पूर्णतः भाग नहीं होने वाला। ओके, तो ये था हमारे जो नियम है, हमने विभाज्यता की जो नियम सीखे हमने अभी। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे 9 से विभाज्यता के नियम और 11 से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।